आइए देखते हैं बैरचन मजाएगा। अगर कोलेस्ट्रॉल डैमेज होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है डेफिनेटली होगा, तो यहाँ पे माफिया के पास पूरा एडवांटेज है। लेकिन फौजी भाई को मेकर और बहुत बढ़िया नॉक निकाला है कप्तान फौजी अजय ने। क्या मजनू का किल सिक्योर हो पाएगा? नॉक तो कर दिया, किल सिक्योर अभी तक हुआ नहीं है। मनीष को अगर आप देखें, ग्लू वॉल्स की आर में बचे हैं। माफियाज के पास पूरा अपॉर्चुनिटी है, प्रेडिक्शन माफियाज की करी है मैंने, लेकिन कुछ भी हो सकता है। बाला भाई वहां पे अगर आप देखें, तो अगर मैं गलत नहीं, तो बिजली का इस्तेमाल किया गया था। अगर आप देखें तो माफिया के पास पूर्ण अपॉर्चुनिटी थी और लाइन लगा के खुद को रिवाइव कर दिया, लेकिन अब टीएनजी बना माफियाज का मुकाबला हो रहा है। लेकिन एक्स मानिया ने यहां पे कोलेटरल डैमेज अगर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। जी नहीं, सीधा को रिवाइव देना पड़ेगा। टीएसजी बनाम माफियाज और एक और प्लेयर की ओर का बचा था, वो भी एलिमिनेट ना हो। टीएसजी और माफियाज का मुकाबला हमने सामने, माफियाज बनाम टीएसजी और 3v3 फाइट है, 3v3 फाइट। और डिलीट यहां पे नॉक हो गए, डिलीट यहां पे नॉक हो चुके हैं और ग्रेनेड लॉन्चर ठिकाने पे गई नहीं। एक और जबरदस्त नॉकआउट माफिया वाला, माफिया वाला जबरदस्त नॉकआउट। निहान दत्ता रश कर रहे हैं, बाला भाई हल्का सा जोन में डैमेज खाते हुए। क्या यहाँ पे बात बनेगी? प्रेडिक्शन था रॉकी भाई का, माफियाज करेगी बुइया। चाहे कितनी भी खराब हो, दिमाग तो उतना ही काम करता है। विहान दत्ता भी नॉक और आयुष के ऊपर तीन प्लेयर्स का रश आएगा और मुझे ऐसा लगता है माफियाज ने एक बार फिर से बाजी मार ली। जी हाँ गाइस, और एक और ताबड़तोड़ हमला, डिलीट आगे बढ़ते हुए किंग ऑफ ऑल वर्सेस का रश। ये गए आयुष और एज आई एक्सपेक्टेड, एज आई प्रेडिक्टेड, खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।